हेलो, नमस्ते भाई। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार में। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी 2024 की वैकेंसीज जब से जारी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि कब ये परिवार जो है आपको बताएगा कि जोन जो है वो आपको कौन सा चूज करना है, क्या क्या बिंदु जो है वो जोन को चूज करते समय आपको ध्यान रखने हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी विस्तृत चीज पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है वो कब से आपको भरना चाहिए, इसके अलावा किस जोन से भरना चाहिए, फॉर्म रिजेक्शन के कारण क्या बन सकते हैं, फॉर्म जो रिजेक्ट होता है, कई बार पिछली बार एनटीपीसी में हजारों बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था, एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, तो कब फॉर्म रिजेक्ट होता है और तैयारी आपको कैसे करनी है इस एग्जाम की, आज की इस वीडियो में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, डायरेक्ट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे भाई, आपके जो मन में चल रहा है वो ये है कि जोन जो है वो कौन सा सिलेक्ट करें, तो जोन कौन सा सिलेक्ट करें, इससे पहले आपका एक सेकेंड लेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म भरना 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और 13 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हो चुका है और आप 13 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात हो गई। इस बिंदु पर चर्चा करने के जस्ट बाद हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि सर कौन सा जोन जो है वो चयन करें, किस जोन से सिलेक्शन हो पाएगा हमारा, ये एक बड़ा सवाल है आप सभी का। लगातार हमारे पास हजारों मैसेज जो है आपने व्हाट्सएप पर किए, कमेंट में किए, तब ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो सभी साथी जो है दबा के इस वीडियो को देख लो मेरे भाई। सबसे पहला मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी रेलवे के एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपके जो दिमाग में चार बिंदु रहने चाहिए वो ये रहने चाहिए। पहला बिंदु है मेरे भाई वैकेंसी वाइज। कई सारे विद्यार्थी आपने देखा होगा कि इस पॉइंट पर सोचते हैं कि किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है उसी जोन से हम फॉर्म भर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और कई सारे विद्यार्थी वैकेंसी को बेस मानकर अपना फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस जोन को चूज करना है। इसके अलावा कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग जोन चूज करते हैं। उनको मान लेते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट से बहुत प्यार है, उनको मान लेते हैं टीटी की पोस्ट से बहुत प्यार है, तो वो देखेंगे कि किस जोन में ये पोस्ट जो है वो ज्यादा है और वहां से फॉर्म भर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा बिंदु रहता है, जो थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, क्या मैं उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर फिट बैठ रहा हूं क्या, और मैं जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहा हूं वो पोस्ट किस जोन में ज्यादा या कम है, समझ में आ रहा है। और जो चौथा बिंदु है मेरे भाई वो है कम्युनिटी वाइज प्रीफरेंस, यानी कि ओबीसी एससी एसटी ये लोग देखते हैं कि ओबीसी की सीट कहां पर ज्यादा है, एससी एसटी की सीट कहां पर ज्यादा है, और उसके हिसाब से आप अपना जोन जो है वो चूज करते हैं। ये तो सारे वो बिंदु हो गए जो एक विद्यार्थी को ध्यान में रखने चाहिए जोन को चूज करते वक्त। लेकिन मुद्दा क्या है, ये वीडियो आप तक क्यों पहुंच रही है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही बिंदु 90% लोग जो है वो सोचते हैं और किसी एक बिंदु को सोचकर अपना जोन है वो चूज कर लेते हैं। बट मैं आपसे क्या कहने वाला हूं कि जब आप अपने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जोन चूज करें तो आपको इन चारों बिंदु पर ध्यान रखना है। हम अभी विस्तृत तौर पर इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप पहला पॉइंट अगर देख पाए तो पहला पॉइंट है वैकेंसी वाइज, यानी किस जोन में वैकेंसी ज्यादा और किस जोन में वैकेंसी कम। तो मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपके लिए बना के लाया हूं कि मेरे भाई किस जोन में कितनी वैकेंसी है, आप जरा इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आरआरबी जॉइन वाइज जो है यहां पर हमने वैकेंसी को बांट दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो आरआरबी अहमदाबाद के अंदर 516 वैकेंसी है इस बार ग्रेजुएट लेवल की, सारे पोस्टों को मिलाकर। ऐसे ही अजमेर में 132, बेंगलोर में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410, और ऐसे करके कोलकाता में जो है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1382, और ऐसे करके आपकी वैकेंसी है। फिर आपकी मुंबई में है 827, और मैं इसका एक ऑर्डर भी अपने फोन में बना के लाया हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम वैकेंसीज के मैं 5 जोन आपके लिए लिख दे रहा हूं यहां पर कि टॉप ऐसे कौन से 5 जोन है जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है दोस्तों कोलकाता के जोन में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जोन है वो है मुंबई जोन, इसके बाद मेरे भाई आपका तीसरे नंबर पे जो जोन है वो है भुवनेश्वर जोन,
इसके अलावा जो आपका चौथा नंबर पे जोन है वो है बिलासपुर, और इसके बाद जो आपका पांचवें नंबर पे जोन है वो है अहमदाबाद। ठीक है, आप इन जोन का जो ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा है वो यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो जोन है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, कोलकाता में, दूसरे नंबर पे कहां है मुंबई में, और फिर कहां पे है आपका भुवनेश्वर में, फिर बिलासपुर में और फिर अहमदाबाद में। ये टॉप 5 जोन है जिनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। अंडर ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं ट्वेल्थ वाले, मैं उनके भी विषय में अभी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ग्रेजुएट लेवल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग मिडिल में पहुंच चुके हैं। आपकी 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, और आज जो है आप जब सभी लोग जान रहे हैं कि सितंबर चल रहा है, ठीक है, और 20 सितंबर है आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आज मुझे आपको सारी जानकारियां देनी है जिससे कि आप चतुराई से अपना जोन सिलेक्ट कर पाए। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे भाई, सारी मेहनत सारी चीजें वो भी सही है, लेकिन जोन का अच्छा सिलेक्शन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल के अंदर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है कोलकाता जोन में। अब जरा गौर से सुनना, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में है 1382, चलो यहीं से फॉर्म भर देते हैं, यहां की कट ऑफ कम जाएगी। पर मैं आपको लिखित में यहां पर दे दे रहा हूं मेरे भाई, मैं लिखित में दे दे रहा हूं कि कोलकाता जोन की जो वैकेंसी है, कोलकाता जोन की जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। सर क्यों हाई जाएगी? कारण क्या है मेरे भाई कि अभी ये वैकेंसी बढ़ेंगी। आप सर ये क्या कह रहे हो? भाई मैं सच बोल रहा हूं, वो चीज अलग है कि तुम भ्रम में हो। अभी ये वैकेंसीज बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद ये ऊपर नीचे होंगी। आप सारी वैकेंसीज को देखिएगा जो भी अभी तक निकली है, पहले अपनी अलग वैकेंसी दी है रेलवे ने, फिर बढ़ाकर जोन को आगे पीछे किया गया है, फिर जोन चेंज करने का मौका दिया गया है। ऐसा बाकी सारी वैकेंसीज में भी हो रहा है, साथ ही साथ जहां से भी जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में है या जहां से भी हम बात कर पा रहे हैं, ये पक्की खबर है कि एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ेंगी, मैं आपसे बोल रहा हूं। तो इसलिए पहले तो आपको यह समझना है कि लेकिन 90% जो स्टूडेंट हैं वो कोलकाता से फॉर्म भर देंगे इस समय पर। ठीक है, आप कहेंगे सर अब आप ये बोल देंगे तो कोलकाता से कोई नहीं भरेगा। अरे मेरे भाई कम से कम 30-35 लाख फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं इस बार एनटीपीसी में। 35 लाख, मुझे 35 लाख बच्चा थोड़ी देख रहा है ये वीडियो। ये वीडियो कितने बच्चे देखेंगे आप खुद भी जानते हो। तो ये वीडियो कोई 35 लाख बच्चा देखने नहीं जा रहा है, ये हजारों में ही वीडियो देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बोल देने से सारे लोग कोलकाता को छोड़ देंगे, बट मैं जो मुझे देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसी का जोन है कृपया इससे बचें। क्योंकि एक तरफ तो आप ये सोच सकते हैं कि वैकेंसी ज्यादा है तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, बट दूसरी तरफ आपको ये सोचना है कि केवल ऐसा आप नहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोचने वाले लाखों बच्चे हैं, समझ रहे हो, जो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी ज्यादा है यहीं से फॉर्म भरते हैं। और यहां की कट ऑफ जो है हमेशा याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। आप प्रीवियस डाटा उठा के एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैकेंसी अगर ज्यादा है तो कट ऑफ जो है वो कम चली जाएगी। तो सर आप मुझे बताइए फिर मैं कौन सा जोन चूज करूं, पहले मैं चर्चा करूंगा उसके बाद आप डिसाइड करना। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी वाली बात हो गई कि भाई टॉप 5 जोन ये हैं जिसमें मैं इस वाले जोन को छोड़कर बाकी जोन जो 4 हैं उनके लिए आपको फ्री कर रहा हूं। ठीक है, डिसाइड योर सेल्फ, लेकिन दूसरे बिंदुओं को भी ध्यान से सुनना, तब सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी मेरे भाई, एक पॉइंट से सब कुछ क्लियर नहीं होगा। मैंने दूसरा यहां पर पॉइंट लिखा है पोस्ट प्रीफरेंस। ठीक है, अब ये सर क्या है पोस्ट प्रीफरेंस? तो पोस्ट प्रीफरेंस को बड़ा ध्यान से देखो, अगर हम ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों की बात करें तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, दूसरा स्टेशन मास्टर, बहुत फेवरेट पोस्ट होती है बच्चों की, फिर ट्रेन मैनेजर है, फिर आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो ये पोस्ट है। अब होता ये है कि समझदार जो बच्चा होता है, जो मेंटल डिस्टर्ब होता है, पागल होता है, जिसको मैं क्या ही बताऊं मेरे भाई, वो बच्चा क्या करता है, सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस डाल देगा स्टेशन मास्टर। ठीक है, अब होगा ये कि स्टेशन मास्टर में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 लेवल का चाहिए। A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब बहुत A1 से थोड़ा सा नीचे, आप खुद भी समझ सकते हो। A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब ऊपर से नीचे तक सुंदर सुशील और संस्कार आप में भरे होने चाहिए कूट कूट के। अगर A2 मेडिकल है स्टेशन मास्टर का, मतलब कि मेडिकल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यानी यहां कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे भी नहीं लिए जाएंगे, यहां बहुत सारा दिक्कत आ जाती है। और स्टेशन मास्टर क्योंकि बहुत बच्चों की फेवरेट पोस्ट भी होती है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ भी ज्यादा रखी जाती है, लेवल 6 की जॉब है। तो होता यह है अक्सर करके कि मान लो खूब पढ़ने वाला बच्चा है, अब उसने पहली पोस्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर को दे दिया, तो होता यह है कि कोई कट ऑफ ज्यादा है, मान लो उसके नंबर उतने नहीं आए
इतने स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए होंगे, लेकिन बाकी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मान लेते हैं ये वाली पोस्ट पहले प्रीफरेंस पे रखी हो। अब भले ही वो बच्चा जिसकी जिसके नंबर इस पोस्ट के जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है इस पोस्ट के कट ऑफ से ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि उस बच्चे ने इसकी प्रीफरेंस नहीं रखी थी इसलिए उसको मौका नहीं मिलेगा। यहां पर जिसने प्रीफरेंस रखी थी उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। गहराई ना पा रहे हैं क्या, ये बताओ पहले एक बार कमेंट में यस सर लिख देना मेरे भाई, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, कि आप ये गहराई ना पाए कि होता क्या है कि आपका प्रीफरेंस पोस्ट का बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप पोस्ट किस ऑर्डर में चूज करते हैं। समझ रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं मेरे भाई, एक बार यस सर लिख देना। अभी लाइव नहीं है वीडियो, नहीं तो मैं लिखवा लेता। मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं आपके इतने नंबर आए जितने स्टेशन मास्टर की कट ऑफ के लिए चाहिए थे, लेकिन आपने जब पोस्ट प्रीफरेंस सिलेक्ट किया है उसमें पहली पोस्ट को आपने स्टेशन मास्टर नहीं रखा, पहली पोस्ट को आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रख दिया, आपको सबसे पहला यही जॉब चाहिए, ठीक। और कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहली प्रीफरेंस स्टेशन मास्टर रखी है, उसके भी नंबर स्टेशन मास्टर की कट ऑफ से ज्यादा है और तुम्हारे भी नंबर स्टेशन मास्टर की कट ऑफ से ज्यादा है, बट क्योंकि तुमने इसको प्रीफरेंस नहीं दी थी इसलिए मौका किसको मिलेगा, जिसने उस पोस्ट को प्रीफरेंस दी थी। समझे? तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है कि जब आप अपना जोन सिलेक्ट करें तो यह भी देख लें कि किस पोस्ट की वैकेंसी किस जोन में, जैसे मैंने जो टॉप फाइव अभी आपको जोन बताए हैं उन जोनों के अंदर किस पोस्ट की वैकेंसी ज्यादा है और आपकी प्रीफरेंस में कौन सी पोस्ट आ रही है, मतलब आप कौन सी पोस्ट भरने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना। पता चले आप कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और वहां पर आपकी पहली पोस्ट प्रीफरेंस है, मान लेते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, और मान लेते हैं कोलकाता में मैनेजर की वैकेंसी बहुत कम है। अब आपने कोलकाता से फॉर्म भर दिया बट यहां उस पोस्ट की वैकेंसी कम है कोलकाता में, तो फिर तो मेरे भाई आपके खुरपे हाथ में आने ही है। तो ये पॉइंट बड़ा ध्यान देना है कि आपकी जो पोस्ट प्रीफरेंस है ठीक है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना है कि किस जोन में मेरे पोस्ट की वैकेंसी जो मैंने प्रीफर की है वो ज्यादा या कम कहां है। उम्मीद है आपको पूरी गहराई बहुत अच्छे से नाप चुके होंगे आप लोग, मैंने बहुत फिल्टर करके आपको बता दिया है। अब आपका सवाल फिर तुरंत ये आएगा कि सर तो हमें बता दो कि हम कौन सा प्रीफरेंस रखें अपने लिए। तो देखो मैं ये सब कुछ लिख कर आया हूं कि आपको जो है कौन सी प्रीफरेंस रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, मैंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है तब आप सभी के लिए ये वाली वीडियो लेकर आ रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है ये अपनी पहली पोस्ट रखनी चाहिए, पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट आपको रखनी चाहिए चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यानी कि ये वाली पोस्ट जो है वो दूसरे नंबर पे रखनी चाहिए। तीसरी आपको पोस्ट रखनी चाहिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तीसरे नंबर की आपको पोस्ट भरनी चाहिए। और चौथी पोस्ट आप जो है वो स्टेशन मास्टर और पांचवी ट्रेन मैनेजर जो है भर सकते हैं। आप यहां ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर में ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पसंदीदा पोस्ट होती है मैक्सिमम बच्चों की। आप कहेंगे कि सर ये तो सबसे ज्यादा पसंदीदा है और आपने इसी को लास्ट में क्यों रखा है। देखो मेरे इसको लास्ट में रखने के बहुत सारे रीजन है, बात समझना। किसी भी हालत में तुम्हें जॉब चाहिए, एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहिए, अगर सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी में तो ये जो पोस्ट प्रीफरेंस तुम यहां पर देख रहे हो ना इसी को भर देना। मान ले मैंने अभी बताया कि क्यों, समझ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा इन पोस्टों की जा रही है और मान लेते हैं इन्हीं को आपने प्रीफरेंस दे दिया, आपके नंबर उतने नहीं आ पाए क्योंकि बट प्रीफरेंस आपने इनको दिया था इसलिए आप इन बाकियों के पोस्ट में भी बाद में काउंट होंगे। जिन्होंने इनको प्रीफरेंस दी होगी ना बाकियों की पोस्ट को वो तुमसे पहले चले जाएंगे भले ही नंबर तुम्हारे ज्यादा है। समझ पा रहे हैं आप गहराई में क्या बता रहा हूं, समझो ये जो है ना इनको ऊपर करके समझ लो ठीक है। इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आपकी ये फेवरेट पोस्ट है बट आप इनको लास्ट में प्रीफर कीजिएगा और जोड़ तोड़ों से मेहनत कीजिएगा, नंबर ज्यादा से ज्यादा लाइएगा जितने आप ला सकते हैं ठीक है, जितने आप ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आइए ठीक, और पोस्ट प्रीफरेंस यही रखिएगा। तो अगर आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, आपने स्टेशन मास्टर को क्वालिफाई किया तो आपके चांस बनेंगे क्योंकि आपका ऑर्डर इस हिसाब का है जिस हिसाब का बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा। कई लोग आप देख रहे हैं YouTube पर वीडियो बना रहे हैं कौन सी पोस्ट प्रीफरेंस भरें क्या करें वो करें, मैंने आपको एक बार में बता दिया लिखकर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब 12th वाले बच्चे भी पूछेंगे कि सर हमें भी बता दो, उन पे भी आएंगे, पहले ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं सारी की सारी। तो मैंने यहां पर जो आपके लिए बिंदु लिखे थे कि वैकेंसी वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं, फिर पोस्ट प्रीफरेंस को भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा चौथा है भैया मेडिकल स्टैंडर्ड। चलिए इस पर आ जाते हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मामला है। देखिए मैं ये क्या कह रहा हूं, मैंने ये जो पोस्ट प्रीफरेंस यहां पर आपको बताई है ना
ये मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ही बताई हैं सर। मतलब ये है कि देखो, मैंने पहली पोस्ट प्रिफरेंस तुम्हें क्या बताई है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब लोएस्ट कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड, समझ रहे हैं, लोएस्ट कैटेगरी का। कोई भी समस्या होगी, ये सर C2, A2, B2 ये क्या है, ये आप नोटिफिकेशन में नीचे जाके पढ़ सकते हैं, इसी में दिया हुआ है नोटिफिकेशन, आप सभी के पास होगा, नहीं तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी नोटिफिकेशन डाल चुका हूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मिल जाएगा, और देख लेना ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब बहुत लोएस्ट कैटेगरी का। आप कलर ब्लाइंडनेस भी है ना, अगर आपको कलर विजन, तो भी मेरे भाई जो है, आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर विजन वाले अंदर कर लिए जाते हैं। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड में ध्यान में रख के ही ये पोस्ट प्रेफरेंस का मैंने आपको ऑर्डर दिया है, और इस पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर जोन आपको चूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान में रखो और देखो कि मेरा ये पोस्ट प्रेफरेंस है और किस जोन में ये पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, समझ रहे हो? तो उस जोन को आपको चूज करना है। उम्मीद है आपको बहुत सारी गहराई समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आप देखिए, दूसरा जो मैंने आपके लिए रखा है वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिर जो तीसरा मैंने आपके लिए रखा है वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और जो दोनों A2 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के, इन मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्टों को मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि ये फेवरेट पोस्ट भी है बच्चों की सबसे ज्यादा, साथ ही साथ इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत गजब का है। मान लेते हैं कट ऑफ भी क्लियर हो गई और पोस्ट प्रेफरेंस तुमने पहली दूसरी इन दोनों को दे दिया और मेडिकल में फेल हो गए, तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे मेरे भाई, लफड़े में और पड़ जाओगे। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस जो है इस हिसाब का रखना है, ताकि मेरे नंबर भी अगर अच्छे हैं और मुझे A2 कैटेगरी का मेडिकल में, मान लो मैं फेल भी हो जाता हूं, तो मुझे C2 वाली कैटेगरी की मेडिकल की जो पोस्ट हैं वो प्राप्त हो जाएं, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस उनको दी थी। बहुत गहरी बात है मेरे भाई, समझ पाओगे तो समझ जा रहे होंगे आप लोग, है ना। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और बिंदु रखा है यहां पर कि कम्युनिटी वाइज भी कई बच्चे देखेंगे, तो मैं ये भी आपको सलाह दूंगा कि आप जरा ये भी देख लेना कि आप SC ST OBC जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी के अनुसार किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, और आपकी कैटेगरी के अनुसार जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो उसको छोड़ देना, दूसरे नंबर का जो जोन है उसको चूज कर लेना। लेकिन वो जो दूसरे नंबर का जोन है वो पोस्ट प्रेफरेंस और वैकेंसी वाइज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज वो सारी चीजों पर वो खरा उतरना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत गहराई से मैंने आपको विश्लेषण दिया है, जोन कौन सा चूज करना है। उम्मीद है कि मैंने पूरा गणित आपको सिखा दिया, पूरा फॉर्मूला आपको सिखा दिया है, आप कंफ्यूजन में अब नहीं आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है भैया, फिर भी मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि टॉप 5 जोन्स ये हैं ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए। मैंने बता दिया इनको चूज करने का क्या आधार रहेगा, 4 आधार रहेंगे। कौन कौन से आधार? 4। पहला आधार रहेगा वैकेंसी वाइज, सबसे ज्यादा यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। दूसरा आधार मेडिकल स्टैंडर्ड, तीसरा पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी और वो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल स्टैंडर्ड ही बताई है ना, समझ रहे हो ना गहराई। और दूसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना कि कट ऑफ वाला जो पोस्ट प्रेफरेंस आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको नियुक्ति मिलेगी, तो वो चीज भी मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। तो सारी चीजों को भैया ध्यान में रखना और सही जोन का चयन करना। आप कहिएगा कि सर आप बता दो कौन सा जोन भरें, तो वो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, हर बच्चे आप में से अलग कैटेगरी के होंगे, हर स्टूडेंट अलग मेडिकल स्टैंडर्ड का होगा, तो ये सारी चीजें आपको स्वयं डिसाइड करनी है। मैं क्या हूं? मैं एक आपको आईना दिखाने वाला व्यक्ति हूं, जो आपको सारी चीजें जो आपको पता नहीं है वो बता रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये होता है, अगर आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस भर ली तो ऐसा होगा, ये भर ली तो ऐसा होगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा सीन क्लियर कर दिया। ठीक है, अब कमबैक तुम्हें करना है। ठीक है भैया, तो ये तो होगी पूरी बात। इसके अलावा मैं आगे बढ़ूंगा और फॉर्म रिजेक्शन के कारण पे आऊंगा। तो देखो, फॉर्म रिजेक्शन के जो कारण है वो दो ही कारण होते हैं ज्यादातर केस में, 99% केस में। एक तो फोटो का कारण होता है फॉर्म रिजेक्शन का, और एक होता है मेरे भाई सिग्नेचर का। ठीक है, जब आप इनका फॉर्म भरें, आप ग्रेजुएट लेवल का भरें या अंडर ग्रेजुएट का, फोटो और सिग्नेचर का बहुत ध्यान रखें। देखो, फोटो का सारी चीजें वही होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि फोटो जो है वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड पे आप खिंचा सकते हैं, और एक ऐसी शर्ट में या ऐसी टी शर्ट में खिंचाएं जो उस व्हाइट पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे। साथ ही साथ आप अपने सिर पे कोई टोपी वगैरह ना लगा के रखें। चश्मा अगर आप यूज करते हैं तो फोटो खिंचाते वक्त चश्मे के अंदर कोई दूसरी फोटो नहीं दिखाई देनी चाहिए। चश्मे ऐसी फोटो खींचनी चाहिए आपकी कि चश्मे के अंदर आपकी आंखें, रेटिना, कॉर्निया जो है वो दिखाई देना चाहिए फोटो में। ठीक है, इस हिसाब की फोटो खिंचवाना। ठीक है भैया, बाकी और भी कई सारे बिंदु हैं फोटो के विषय में, वो मैंने नोटिफिकेशन में
आपको दिए हुए हैं, तो आप नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना एक बार। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको कि किसी भी प्रकार से कोई कपड़ा वगैरह आप सर पे ना डाले हो, बालों में जुल्फे ना हो, ऐसी लटे ना निकाले, फालतू में आप हनी सिंह ना बने, ठीक है भाई। इसके अलावा मेरे भाई मोबाइल से स्वयं फोटो ना लें, स्टूडियो जाकर फोटो खिंचाएं, उसका प्रॉपर एक साइज जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर ऐसा भी है कि हाँ, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग साइज, अलग अलग केवी के साइज की फोटो मांगी गई है। सर ये कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर, आज 19 सितंबर को आया है, जाकर उसको डाउनलोड कर लो। उसमें क्या है, उसमें हाउ टू अप्लाई के विषय में ही दिया गया है, कौन सी पोस्ट के लिए कितने केवी की फोटो चाहिए वो वहां पे है। आप चाहेंगे तो एक वीडियो और बना देंगे, इसमें कमेंट कर देना वो फोटो कौन सी पोस्ट के लिए कितने केवी की चाहिए, बाकी नोटिफिकेशन आप खुद भी देख सकते हो, उतने बच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया फोटो का सीन, फोटो आप शुद्ध खिंचाएं, कुल मिला के आप समझ रहे होंगे। सिग्नेचर जो है आपके वो रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए, जैसे मेरा नाम गुलशन है, तो भैया ऐसे नहीं आपको हैंडराइट ऐसे सिग्नेचर नहीं करने हैं कि जी अलग, यू अलग, एल अलग, एस एच ए एन, ऐसे नहीं। अगर आपको सिग्नेचर करने हैं आप रनिंग हैंडराइटिंग में कीजिएगा, जैसे ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं किसी का नाम है, मान लेते हैं सालू, तो सालू को सिग्नेचर ऐसे करना है, पेन नहीं उठाना है, रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करने हैं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। जैसे मैं अपने सिग्नेचर तो अलग हिसाब से करता हूं, वो मैं ऑफिशियल नहीं बता सकता, बट मैं आपको अपने ऐसे करके दिखा देता हूं कि अगर मैं रनिंग में करूंगा तो ऐसे करूंगा, ठीक है। मतलब पेन नहीं आपका उठना चाहिए, क्लियर है मेरे भाई। तो ये तो दो विषय हो गए जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट आपका हो सकता है। इसके अलावा मेरे भाई प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत जरूरी मुद्दा है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत जल्दी यहां पर आपको बता दूंगा, क्लियर तरीके से समझ लें। देखो मेरे भाई, सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन का सिलेबस। आप अपना किसी भी टीचर से जुड़कर यूट्यूब पर फालतू में अगर आप इधर उधर पूरे दिन वीडियो देखते हैं, फलाने सर की ढिमके सर की, सब कुछ ठीक है बट सब कुछ ठीक नहीं भी है। सच्चाई यही है कि आपको किसी भी टीचर के फाउंडेशन कोर्स से अपना अच्छा कंटेंट पढ़कर अच्छा सिलेबस जो है अपना पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस पूरा करते समय ध्यान रखें कि कंटेंट आपको अपडेटेड पढ़ाया जाना चाहिए जो अभी के एग्जामों से रिलेवेंट करता हो। ऐसा ना हो कि मेरे भाई 2018 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 2020 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनका आपको लेना देना ही नहीं है आज के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। तो सिलेबस आपको अपडेटेड पढ़ना है। आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पूरा सिलेबस कराता हूं, हजारों बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ। सिलेबस जब आपका कवर हो जाए तो दूसरा बिंदु होता है मेरे भाई मॉक टेस्ट और रिवीजन। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो दो ही बिंदुओं पर सिलेक्शन होता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मैं तो बोलूंगा 10 बार कम से कम सारा सिलेबस को रिवाइज कर लो, और जितने मॉक टेस्ट लगा पाओ, मतलब यहां तो मैं अनलिमिटेड लिख दूंगा, है ना, जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, जितनी तुम्हारे अंदर तड़ है, उतने मॉक टेस्ट आप जो है लगाइएगा। मॉक टेस्ट देने से आपको अपना वीक पॉइंट पता चलता है, मॉक टेस्ट देने से आपको अपने वीक टॉपिक्स, वीक चैप्टर पता चलते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि मेरी कमी कहां है, वहां आप सुधार करते हैं, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होता है, मलाई लगती है, परफेक्शन आता है, और सिलेबस तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता ही है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर सिलेक्शन में इन दोनों चीजों में से सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो मैं कहूंगा सिलेबस का रोल अगर 60% है ना, नो डाउट बिना सिलेबस के तो कुछ होता ही नहीं है, बट अगर सिलेबस 60% रोल प्ले करता है तो 40% रोल मॉक टेस्ट प्ले करता है और रिवीजन प्ले करता है, ध्यान रखना। आप एक बार सिलेबस पूरा करके सोच रहे हैं पेपर दे देंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा आज के पॉइंट के हिसाब से, याद रखना ये बात, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो होगी प्रिपरेशन का मामला, स्पष्ट रूप से बता दिया मैंने एक झटके के अंदर आपको, ठीक। आगे चलते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मेरे कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। मेरा पूरा फाउंडेशन कोर्स है एक आपका, मैं पहले कोर्स के बारे में बता देता हूं फिर इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है। देखो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, अगर आप रिकॉर्डेड सिलेबस चाहते हैं, पूरा मैथ जीरो लेवल से मैंने खुद पढ़ाया इसी साल, पूरा रीजनिंग मैंने खुद पढ़ाई है जीरो लेवल से, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बताते हुए मैथ और रीजनिंग का, फाउंडेशन बैच पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेहतरीन टीम के द्वारा, अगर आप पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस चाहते हैं तो हमारा यकीन बैच है एप्लीकेशन के अंदर, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं मेरे भाई, आपको चाहिए कि नहीं लाइव हमें पढ़ना है, लाइव बैच, नया बैच, एनटीपीसी का स्टार्टिंग का बैच चाहिए, तो आप आरंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा नया लाइव बैच है जिसमें अभी दो दो तीन तीन चैप्टर हुए हैं, अभी शुरू हुआ है, अब ऐसा तो नहीं
नहीं हो सकता मेरे भाई कि जब जो बच्चा आएगा हमारे पास तब हम उसके लिए नया बैच दे देंगे, ऐसे तो हजारों नए बैच निकल आएंगे और मैं वो टीचर नहीं हूं कि मेरे भाई हर हफ्ते आपको नया बैच प्रोवाइड करा पाऊं, क्योंकि हर हफ्ते नया बैच बन ही नहीं सकता है। घंटे तो 24 ही हैं जिसमें 12 घंटे पढ़ाएंगे, अगर 12 घंटे पढ़ाएंगे तो नए बैच हर हफ्ते कैसे निकल आएंगे, सोच कर देखना। इसलिए एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है रिकॉर्डेड, वो आप पूरा सिलेबस आपको एक बार में मिल जाएगा, और अगर आप लाइव चाहते हैं नया तो अभी दो दो तीन तीन चैप्टर इसमें हुए मैथ रीजनिंग वगैरह में, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दोनों मैथ रीजनिंग के सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं, साइंस हमारी टीम मैम आपको पढ़ाती है और हमारे एक सर हैं वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके विषय में आपको बता देता हूं, 22 सितंबर संडे, टाइम को और तारीख को ध्यान दें, 22 सितंबर संडे शाम को 8:30 बजे से मैं रेलवे एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन सभी एग्जामों के लिए रेलवे रोजगार सीरीज यूट्यूब पर शुरू कर रहा हूं, जिसमें डेली टॉप 25 टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ ऑल प्रैक्टिस बुक्स, जैसे कि लूसेंट, अरियंत, स्पीडी, घटना चक्र, किरण, पिनेकल, कई सारी अलग अलग किताबों के बेहतरीन सवाल का कलेक्शन आप सभी के लिए YouTube पर जो है मैं कराने जा रहा हूं। बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस होगी, पूरे YouTube पर ऐसी सीरीज आपको आज तक नहीं देखने को मिली होगी जैसी ये होने जा रही है। तो 22 सितंबर शाम को 8:30 बजे से इसी YouTube चैनल पर आप लोग हमारे साथ इस क्लास में लाइव जुड़िएगा। इसके अलावा कोर्स से जुड़कर अपना सिलेबस अध्ययन जो है अपना पूरा जो है करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे पूरी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। ओके, लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे आपसे और भी कई सारी जानकारियों के साथ। बाकी 12th वाले बच्चे जरा ध्यान दे लें, फिर से 12th वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने हमारे विषय में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे भाई आज 20 सितंबर है, कल 21 सितंबर को 12th वाले बच्चों का फॉर्म भरने का लिंक ओपन होगा, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाने दीजिएगा, आज रात में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो मैं आपके लिए आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर एक वीडियो दूंगा आपको, है ना, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर देना, है ना, कमेंट करके प्यार दे देना, बता देना सब कुछ समझ में आ गया बेहतरीन ढंग से, और हो सके तो सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना। लव यू ऑल, जुड़े हमारे साथ, करें तैयारी। जय हिंद, नमस्कार।